नमस्कार, आ जाइए एक बार फिर से स्वागत करें आप लोगों का इस टॉपिक में। जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा था, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ आयन, और जिसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर करे, फिर एस ब्लॉक क्लियर करा, और फिर डी ब्लॉक का एक बड़ा सा एरिया आपने क्लियर करा। आज हम लोग इसके चौथे पार्ट में लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स, जो हमारे सिलेबस में जितना है, हम लोग उसको डील करें, और फिर डील करने के बाद फिर पी ब्लॉक। एक्टिनाइड्स का ज्यादा मामला अपने सिलेबस में नहीं है, मेनली लैंथेनाइड्स का मामला है, उसको करना है, और फिर पी ब्लॉक, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पर बात करते हैं। आ जाइए, जिस तरीके से पहले एस ब्लॉक को स्टार्ट करा था हमने, तो आपको रेंज सिखाया था कि एस ब्लॉक में फिक्स होता, कोई रेंज नहीं होता, प्लस वन वन ए के लिए और टू ए के लिए +2। डी ब्लॉक में हमने एक रेंज सिखाया कि एनएस और एन-1 डी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत क्लोज होने के कारण एस इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने वहां पे आपको बताया कि इसीलिए जो वहां हिसाब किताब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो एक एक यूनिट से वैरी करते हैं और +2 से लेकर के आगे तक जाते हैं। 3D सीरीज का काफी डिटेल किया गया, बहुत डिटेल किया गया, सबके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर बातें करी गई, और सबके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी बातें करी गई। जहां +4 की पॉसिबिलिटी थी, +5, +6, +7, सारी चीजें डिस्कस हुई। आज और शुरू करता हूं लैंथेनाइड्स को, पहले फेज नंबर 2। आइए, लैंथेनाइड्स, अगर आपको ध्यान हो तो हमने करवाया है लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, हर कुछ। जो लैंथेनाइड्स होता है आपका लो, वो 3B ग्रुप का एलिमेंट होता है। ये सीरियम 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक आप लैंथेनाइड्स बोलते हो, बोलते हो, क्लियर है? ये सारे फोर्थ पीरियड के हैं, ये फिफ्थ के, और ये सारे सिक्स्थ पीरियड के। तो आप बोलते हो, दोस्त, सर ये सिक्स्थ पीरियड के एलिमेंट हैं, और अगर मैं इनका ग्रुप नंबर पूछूं तो आप बोलते हो 3B ग्रुप है। और हमने करवाया भी है कि पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में अगर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो ग्रुप है 3B। कितने? 14 लैंथेनाइड्स, 14 एक्टिनाइड्स, और 4 डी ब्लॉक का एक्टिनम भी है नीचे, ये भी है, ये सातवें पीरियड से है। तो सिक्स पीरियड 3B ग्रुप, इसीलिए चूंकि ये 3B ग्रुप का है। और हाँ, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी पहले लिख लो। जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो था ज़ेनॉन 6s2 4f1 to 14 और 5d 0 था मोस्टली, कभी कभी 1 होता था। और ये क्वेश्चन हमने बहुत बार बोला है कि कहां कहां पे डी में 1 होता है, और ये बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं। इसमें d1 किस किस एलिमेंट में है जरा याद कीजिए। 5d1 एक पहला एलिमेंट, एक बीच का एलिमेंट, और एक आखिरी एलिमेंट, आपको याद रहना चाहिए। इन तीन केसेस में हमारा d1 है, बाकी सारे केसेस में d0 है। मतलब अगर आपको 65 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो 65 इस तीनों में नहीं है, तो 54 to 56, 56 9, मतलब 4F9 हो जाएगा। अगर आपको 68 का लिखना हो तो वो इन तीनों में नहीं है, तो 54 to 56 12। बट अगर आपको 71 का लिखना हो तो 71 यहां है, इसलिए उसमें पहले d1 पुट कर लो। तो अब बचा 70, 54 to 56 14। अगर आपको 64 गैडोलिनियम का लिखना हो, मैं करवाया हुआ बहुत डिटेल में, तो यहां पर पहले d1 पुट कर लो, तो 54 to 50, d1 पुट कर लिया तो आपका 63 बच रहा है, 54 to 56 7, तो 4F7, क्लियर है? तो हमने आपको ये इस तरह से किया कि 3B ग्रुप के एलिमेंट्स से लैंथेनाइड्स और सारे के कॉन्फ़िगरेशन हमने डील कर। चूंकि ये 3B ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इसीलिए सारे लैंथेनाइड्स का एक कॉमन और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है,
प्लस थ्री। जैसे मैं बताऊं, आपने अभी अभी पढ़ा है स्कैंडियम का भी प्लस थ्री फिक्स होता है, आप जान ले इट्रियम का भी प्लस थ्री फिक्स होता है, और आप जान ले लैंथेनम का भी प्लस थ्री फिक्स होता है, एक्टिनम का भी जनरली प्लस थ्री फिक्स होता है। स्टार लगा दिया जनरली, इसमें कुछ पॉसिबिलिटी है, बट उन लोगों के भी प्लस थ्री फिक्स होते हैं। तो लेकिन चूंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स फ्लक्चुएट कर रहा है और एफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा। 3b का है बट इनका प्लस थ्री फिक्स नहीं है, इनका प्लस थ्री फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि वहां पर d में वन फिक्स है, यहां d में वन फिक्स नहीं है, वहां f में जीरो फिक्स है, इन सबके f में कितना है, जीरो फिक्स है, यहां f में वेरिएबल है। और दूसरी बात है कि जो एनर्जी लेवल है वो 6s से ज्यादा 4f, और 4f और 5d की एनर्जी क्लोज होती है, हमने करवाया है, इसीलिए 6s तो बॉन्डिंग में जाएगा ही जाएगा, पक्का है जाएगा, 5d जा रहा है और उसके साथ कभी कभी 4f भी जाएगा, जबकि वो अंदर का है, क्यों जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्लोज है। तो आप लिखेंगे क्या, ड्यू टू, ध्यान से, हाँ पहले ये लिख लेते हैं, ऑल लैंथेनाइट्स, लैंथेनाइट्स टू सो अ वेरी कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री। सारे लैंथेनाइट्स एक कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं प्लस थ्री। फिर भी हाउएवर ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ 4f एंड 5d ऑर्बिटल एनर्जी फिर भी क्लोजनेस 4f और 5d ऑर्बिटल एनर्जी के कारण ऐसा होता है कि सीरियम 3 के अलावे 4 भी शो करता है, लेकिन चौंकिए नहीं, अभी भी स्टेबल ज्यादा 3 ही है, ये प्लस 4 पे भी जा सकता है लेकिन अभी भी स्टेबल ज्यादा प्लस 3 ही है। ठीक है, SM EU एंड लगा दें, यहां SM EU YB LU वगैरह और भी कुछ एलिमेंट है, ये लोग 3 के अलावे प्लस 2 भी शो करते हैं, लेकिन अभी भी आप देख लें, अभी भी स्टेबिलिटी प्लस 3 की ही है। क्या बोला हमने, ध्यान से, 4f 5d ऑर्बिटल एनर्जी काफी क्लोज है, तो सीरियम 3 के बाद, मतलब सीरियम में d1 है यहां, है ना, 54 टू 56 1718, तो क्लोज होने के बाद, ये लूज करने के बाद ये भी लूज कर देता। ठीक है, तो सीरियम का केस जो है वो ये है कि वो 4 तक जा सकता है, लेकिन बाकी लैंथेनाइड सामान्य, तो सारे लैंथेनाइड प्लस 3 का एक स्टेबल और कॉमन है, ये जान ले, सबका प्लस 3 एक स्टेबल और कॉमन है, लेकिन सीरियम प्लस 4 भी जाता है, और कुछ मेंबर 3 के नीचे भी शो कर पाते हैं, प्लस 2 में भी रह जाते हैं, कौन, SM EU YB LU वगैरह, SM 62 63 70 71 SM EU YB LU, दूसरे को भी आप प्लस 2 शो करा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी और नहीं करेगा, हमने डॉट डॉट लिखा, लेकिन ये जनरल एलिमेंट है जो प्लस 2 के तरफ भी जाते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी अभी भी प्लस 3 की है। मतलब बहुत क्लियर वे में बोला जाए ना, तो दोस्त लैंथेनाइड्स का एक काफी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है प्लस 3, और काफी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लैंथेनाइड सामान्य तौर पर प्लस 3 से दाएं बाएं जाना नहीं चाहता है, लेकिन कभी कभी आप जब उसको कोई बड़ा अनायन देते हैं, सल्फेट, क्या देते हैं, सल्फेट, तो उसको लगता है कि तीन तीन सल्फेट रखने से क्राउड होगा, तो वो वैलेंसी सल्फेट के साथ 2 में एडजस्ट कर जाता है, समझ रहे मेरी बातों को मैंने क्या बोला, लेकिन कभी कभी 3 के साथ भी एडजस्ट करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो बहुत सारे सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, और कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी बढ़ जाता है, कभी फ्री आयन में कम होता है, जैसे हमने किया था, मैग्नीज का फ्री आयन में प्लस 2 रह सकता है, लेकिन मैग्नीज का प्लस 7 में फ्री आयन नहीं होता, याद करें वो MnO4 माइनस में जाता है। ठीक है, तो लैंथेनाइड्स का एक जनरल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया लोग, सर प्लस 3, लेकिन क्या प्लस 3 फिक्स है, जी नहीं, फिक्स नहीं है, कुछ मेंबर का 3 के बियॉन्ड 4 पे भी जाता है सीरियम, और कुछ मेंबर का 2 पे भी आता है SMUYB। मेरा ये सवाल है,
आपसे जेई मेन 2004 में जो सवाल पूछा गया, जिसको रिपीट किया गया जेई मेन 2014 में, 4 के टाइम में वो जेई मेन नहीं एआई ट्रिपल ई होता था, और 14 के टाइम में ये अब जेई मेन। तो जेई मेन 2004 और 14 का जो सवाल है वो एक कॉमन सवाल है, सीरियम पर 4 प्लस कौन सा एजेंट होगा, आप मुझे बताएं, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं जल्दी से। सीरियम पर 4 प्लस कौन सा एजेंट होगा, इधर इट विल बी अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लिखेंगे आप? सीरियम पर 4 प्लस कैसा एजेंट होगा जल्दी से आप बताएं। इसका रेडॉक्स नेचर जानना चाह रहा हूं, SMEU YB वगैरह जो हमने लिखा, इसका भी मैं रेडॉक्स नेचर जानना चाह रहा हूं। सीरियम 4 प्लस, क्या बात है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आप लोगों ने बताया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोगैम्बो खुश हुआ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये सारा वो चाहेगा खुद को 3 में लाना, एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडाइजिंग चूंकि 3 में जाने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सही जवाब। अब नीचे वाला भी जल्दी से बता दें आप, SM2+, EU2+ और YB2+ से आप क्या उम्मीद करते हैं, ये लोग कैसे एजेंट होंगे, SM2+, EU2+, YB2+ कैसे एजेंट होंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों ने बताया, वेरी गुड, क्योंकि ये सारे लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 जब लोवेस्ट है तो लोवेस्ट होने के कारण रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, बट इनका +3 स्टेबल है चूंकि, तो 3 में माइग्रेट करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होगी, इसीलिए आप +2 को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो काफी अच्छा, एक्सेलेंट। तो सीरियम 4 प्लस काफी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, हम लोगों ने ये डिसाइड करा। तो देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में एक जनरल बात है, अब आ जाओ और भी चीजें आगे। अगर मैं बात करूं इसके बाद कि वहीं पर इनके कलर के बारे में भी, आयंस के पैरामैग्नेटिक नेचर और कलर पर भी थोड़ा सा डिस्कशन होगा। अब मैं बातें करता हूं यहीं पर एक्टिनाइड्स की, किसके लो एक्टिनाइड्स, अच्छे से आ जाइए। एक्टिनाइड्स लैंथेनाइड का ही जस्ट नीचे का सीरीज है, यहां वाला सीरीज है, तो एक्टिनाइड आ जाओ, लैंथेनाइड्स लिख दिया है क्या मैंने ऊपर, लैंथेनाइड्स लिख दिया, तो वहां एक्टिनाइड्स भी पहले कर देता हूं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स पहले वहां लिख ही देता हूं मैं, एंड एक्टिनाइड्स एक साथ, ठीक है, और ये हमारा लैंथेनाइड्स लिखा। अब एक्टिनाइड्स वाली बातें आ जाओ, नाउ एक्टिनाइड्स कहां पे है, बहुत सारी बातें करनी है, देखते जाइए। तो सर एक्टिनाइड्स स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम, जो एक्टिनम है ना सर 89, इसके बाद वाले में यहां पे ये थोरियम 90 से लेके, सही है, लॉरेंसियम 103, यही है थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक। और अगर मैं बोलूं कि ये कौन सा पीरियड और ग्रुप है तो आपको अच्छे से याद है ये 7th पीरियड है इस बार, और ग्रुप के नाम पर भी ये 3B ग्रुप है, बढ़िया से सीखेंगे। एक्टिनम आपका कौन ब्लॉक है सर, ये एफ ब्लॉक है, सॉरी डी ब्लॉक है, एक्टिनम कौन ब्लॉक है, ई ब्लॉक है। एक्टिनम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है याद करें, एक्टिनम का कॉन्फ़िगरेशन होता है रेडॉन 7S2 6F0 और 6D1, याद करें चूंकि ये डी ब्लॉक है, लेकिन इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होगा रेडॉन, अच्छे से देखें 7S2, इसको अलग पेज में थोड़ा सा अलग जगह पे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग, मैं यहां रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता हूं, आ जाओ। तो लैंथेनाइड चूंकि एक्टिनम चूंकि डी ब्लॉक है, एक्टिनम कौन ब्लॉक है बेटा डी ब्लॉक, इसीलिए इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है डी में, ठीक उसी तरीके से जो लेंथ ये लिखा आपने लैंथेनम, लैंथेनम भी कौन ब्लॉक है डी ब्लॉक, इसीलिए लैंथेनम का भी कॉन्फिगरेशन जब आपने लिखा था तो क्या लिखा था याद करो, सब याद आ रहा होगा,
ज़ेनॉन 6s2 4f0 और 5d1 याद करो, डी में इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि वो डी ब्लॉक था तो एक्टिनम भी डी ब्लॉक है तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। अब इनके कॉन्फ़िगरेशन पर एक बार मैं बातें कर रहा हूं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, इनका जैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में किया, एक्टिनाइड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था याद करें एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ACS मतलब एक्टिनाइड्स क्या था, रेडॉन 7s2 5f 6f लिख दिया वहां यार, ये 6f लिखा गया गलती से, 5f होगा ठीक है, वहां पे 4f लिखे थे ना, हाफ हो ठीक, तो 7s2 5f 1 to 14 और 6d 0 से लेके 2 तक याद करें, 0 से लेके 2 तक। अब हमने क्या आपको इलस्ट्रेशन दिया था इसमें याद करें, पहला मेंबर 90 में D2 लिखा था हमने, बाकी तीन मेंबर ध्यान से देखेंगे, प्रोटैक्टिनियम 91, यूरेनियम 92 और नेपच्यूनियम 93 याद करें, क्या बताया था हमने बेटा इन तीनों में D1, पहले में D2, बाकी तीन में D1 और आगे जो सारा जाएगा अदर में, इन सब में हमने किया था और एक था D1 और एक, हाँ जी वो मिस नहीं होना चाहिए, वो नहीं मिस होना चाहिए, इसको जगह पे लाओ, थोड़ा सा इसको पहले छोटा कर देता हूं, अब जगह मेरा बन जाएगा अच्छे से, हाँ अब याद करें, एक मेंबर और था D1 जल्दी से कोई बता दो, ये तीन मेंबर के बाद एक मेंबर और था D1 जल्दी, एक मेंबर और था D1 जल्दी से, मैं देखूं कि कौन बता पाता है, एक मेंबर D1 और था, देखो कौन लिख पा रहा है कोई या नहीं, एक मेंबर D1 और था, हमने किया था पहला मेंबर, लॉरेंसियम में भी D1 है, हाँ सही बात है, और बताइए कोई, और कोई मेंबर लॉरेंसियम में भी है, सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ट्यूरियम एक्सेलेंट, हाँ दोनों जवाब सही है, लेकिन लॉरेंसियम में तो जगह ही नहीं है तो D1 जाना है F14 के बाद, तो एक मेंबर है लॉरेंसियम, पहले क्यूरियम लिख लो, क्यूरियम 96 और लॉरेंसियम LR 103, इतने सारे मेंबर्स के 6d1 है, थोरियम का 6d2 है, बाकी सारे प्लस जो अदर मेंबर्स बच रहे हैं इन सब में F0 है, नहीं है सॉरी 6d0 है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा, क्यूरियम ये तीन का लगातार, पहला D2 उसके बाद तीन का लगातार D1, क्यूरियम हाफ फील्ड को रिटेन करने के लिए D1 किया था, जिस तरह से गैडोलिनियम देख लेना आप 96 है, मैं एग्जांपल कर दे रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है, क्यूरियम 96 मान लो लिखो हाफ फील्ड के लिए, देख लो रेडॉन 7s2 5f और 6d, हमने बोला D1 रख लो तो 86 288 189 96 लाना है तो 89 7, देख रहे हैं हाफ फील्ड को बचाने के लिए, बस हाफ फील्ड को बचाने के लिए, चूंकि 95 में ही हाफ फील्ड हो जा रहा है तो 96 हाफ फील्ड को बचाने के लिए ये D1 हो जा रहा है, इसीलिए D1 लॉरेंसियम में, इसलिए D1 हुआ क्योंकि F14 हो जाएगा 86 2 88 14 102 तो लास्ट तो D1 ही ना जाएगा, तो इन दोनों की तो मजबूरी है, तो तीन मेंबर 90 के बाद तीन मेंबर में D1, हमने बोला ये याद रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी फ्रिक्वेंट इन दिनों, मतलब आजकल एक क्या कह लो आप, हवा उड़ी हुई है एक्टिनाइड के कॉन्फिगरेशन की,
मैं बहुत लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि देख उन चीजों पर सिर्फ फोकस मत हो जो चीजें बहुत कॉमन आती हैं, जो चीजें आपकी बुक में हैं और कॉमन नहीं आ रही, अगर वो चीजें अचानक से आई तो वो आपसे सॉल्व होगा और दूसरे लोग क्वेश्चन देखते ही रह जाएंगे, उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या होना नहीं होना। तो मैं एक्टिनाइड्स के कॉन्फिगरेशन कई सालों से करता आ रहा हूं और अचानक से 2-3 साल ट्रेंड में आ गया 2-3 ईयर्स से एक्टिनाइड्स। लोग अभी भी नहीं पढ़ते एक्टिनाइड्स, उनको हवा ही नहीं लगता एक्टिनाइड। आप उनसे ये तक पूछो कि थोरियम क्यों एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उसे नहीं पता है कि थोरियम क्यों एफ ब्लॉक एलिमेंट है। हमने आपके बेसिक के लेक्चर्स में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लेक्चर में करवाया है कि क्यों थोरियम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, जबकि उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं है, एफ में तो इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तब भी क्यों थोरियम, हमने करवाया हुआ। ये सारे क्वेश्चंस मतलब कभी भी आए तो मतलब लेके आपका रैंक उड़ जाएगा हवा में, समझ लीजिए। तो एक्टिनाइड्स आजकल एक हवा बना हुआ है, ठीक है, आता बहुत फ्रिक्वेंट बेसिस पे। तो ये क्यूरियम के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पता नहीं मैंने आपसे कभी शेयर कराया या नहीं कराया, मतलब फर्स्ट मैनमेड है, प्योरली फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट। पहला इंसानों के द्वारा बनाया गया प्योरली, विच इज नॉट फाउंड इन नेचर, which is not found in nature। हालांकि अगर आपने मेरा पहले का वीडियोस देखा होगा तो हमने करवाया हुआ है किसी और एलिमेंट का नाम, कि इंसानों के द्वारा बनाया गया ये एलिमेंट सबसे पहला है। कोई जवाब दे सकते हो क्या, किसी को है ध्यान में, कि मैंने जिक्र भी करा हुआ है, which was the first man-made element, इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे पहला एलिमेंट क्या था, किसी के जहन में है, जरा देखूं मैं, फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट कौन सा था, इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे पहला एलिमेंट कौन था। मुझे नहीं लगता आप लोगों को ध्यान होगा, आप गूगल नहीं करेंगे, माता रानी की कसम है, हम लोगों के देश में कसम की बहुत बड़ी वैल्यू है। किसी को है ध्यान में, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे पहला एलिमेंट, विच वॉज द फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट, क्यूरियम नहीं है, क्यूरियम नहीं है, सबसे पहला बनाया गया एलिमेंट था इंसानों के द्वारा टेक्नीशियम, TC-43। हाँ जी, टेक्नीशियम। बट वो एलिमेंट बना तो लिया लोगों ने, बट कुछ सालों बाद वो नेचर में मिल गया, तो उसको आप सिंथेटिक एलिमेंट अब नहीं कह सकते हैं। ऐसे कुछ एलिमेंट्स थे पहले लोगों ने बनाया, बट बाद में वो नेचर में मिल गया, इसलिए उसको सिंथेटिक अल्टीमेटली नहीं बोलते हम लोग। 5 एलिमेंट ऐसे थे, टेक्नीशियम थे, स्टैटिन भी आपका उसी में था, प्रोमीडियम लैंथेनाइड का एक एलिमेंट है 61, वो भी था, ठीक है ना, तो प्रोमीडियम भी उसमें से एक है। और प्लूटोनियम 94 और नेपच्यूनियम 93, ये भी है 93 और 94, ये दोनों भी पहले इंसानों ने बनाया था, बाद में नेचर में मिल गया, इसलिए उसको सिंथेटिक नहीं बोलते हैं। तो पहले लोगों ने जो सबसे पहला प्योरली सिंथेटिक है जो अब तक नेचर में नहीं मिलता, वो कौन है, क्यूरियम। आ जाओ आगे मैं बात करूं, तो मैंने एक्टिनाइड्स के कॉन्फिगरेशन में बताया कि आप एक्टिनाइड्स का जो कॉन्फिगरेशन करेंगे उसमें थोरियम का एक D2 लिखेंगे, कंटिन्यूअस 3 मेंबर का D1 लिखेंगे, 91, 92, 93 और 96 और 103, तो आपकी मजबूरी है हाफ फील्ड फुल फील्ड बचाने के लिए आपको D1 करना, ठीक है। एक्टिनाइड सारे मैनमेड एलिमेंट है, सारे नहीं, मोस्टली, मैं इस बात को लिखना चाह रहा हूं अगले पेज में, आ जाओ पेज नंबर 4। हमने बोला, ध्यान से देखिएगा, मोस्टली एक्टिनाइड्स आर मैनमेड एलिमेंट्स, सारे नहीं, अधिकांश एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो मैनमेड एलिमेंट्स, सिंथेटिक। मोस्टली एक्टिनाइड्स आर मैनमेड एलिमेंट्स, मोस्टली, ठीक है, सारे नहीं। कहां से कहां, तो आ जाओ मैं अब एक बार इसको ब्रीफ कर रहा हूं। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं इसको दो कैटेगरी में बांट लूं,
एक कैटेगरी ले लूं नेचुरल एलिमेंट्स और एक कैटेगरी में ले लूं सिंथेटिक एलिमेंट्स। क्या ले लूं लो सर? सिंथेटिक एलिमेंट्स। देख लो आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लो, बहुत यूनिक चीजें सीखोगे। तो नेचुरल एलिमेंट्स को भी मैं दो तरीके से बांटूंगा, एक पुराने वाले और एक नए वाले। पुराने वाले को बोलूंगा प्री हिस्टोरिक। क्या बोलूंगा? प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स। और नए वाले को बोलूंगा मैं डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स का खोज हुआ, डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, जिनको लोगों ने खोजा। प्री हिस्टोरिक वैसे एलिमेंट जो किसी भी सिविलाइजेशन से पहले से चले आ रहे हैं, किसी भी सिविलाइजेशन, मतलब जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन बोलते ना आप, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो किसी भी सिविलाइजेशन से पहले आपने सुना कि गॉड को भी आप कभी देखते हैं तो क्या किया जाता, सोने कार्बन मतलब डायमंड का मुकुट पहनाया जाता है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। किसी भी सिविलाइजेशन से पहले जिंक जस्ते का इस्तेमाल होता था क्वाइन बनाने में, कॉपर का इस्तेमाल होता था, चांदी की थालियों में लोग खाते थे, सोने की थालियों में सोने के आभूषण पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। तो कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो प्री हिस्टोरिक है, उसको किसने लाया किसी को नहीं पता। ऐसे 10 एलिमेंट्स, लेकिन ध्यान रहे आयरन नहीं है। आयरन 15th सेंचुरी के आसपास लोगों ने उसको ढूंढा था, ठीक है, तो आयरन नहीं है। प्री हिस्टोरिक मतलब बहुत पहले से लोग इस्तेमाल करते आ रहे और जान रहे। अब देखो ब्रीदिंग भी तो लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्री हिस्टोरिक नहीं है। ऑक्सीजन को लोगों ने ढूंढा, लोगों को पता नहीं था कि मैं जो ब्रीद कर रहा हूं वो ऑक्सीजन ब्रीद कर रहा हूं, एयर पता था बस। क्लियर है? तो प्री हिस्टोरिक एलिमेंट्स में 10 हैं। कौन है? 10 एलिमेंट्स हैं इसमें। देख लो मैं 10 एलिमेंट्स लिख दे रहा हूं। कार्बन एक, दूसरा सल्फर, सल्फर और एंटीमनी, सल्फर और एंटीमनी ये मेडिसिनल यूज था, पहले दोनों का दवा बनता था, सल्फर का स्किन के डिजीज में और एंटीमनी का कालाजर की दवा। इसके बाद आ जाओ कॉपर सिल्वर गोल्ड, आप जान ही रहे हैं। इसके बाद आ जाओ लेड और बिस्मथ का पॉइजन बनता था, लेड और बिस्मथ, और टीन और जिंक का बर्तन बनता था, वेसल, वेसल्स बनता था, यूटेंसिल्स हम लोग बनाते थे। तो कार्बन सल्फर एंटीमनी, ये जानते हो तो ये लिख के क्या होगा, कार्बन सल्फर एंटीमनी ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड मतलब 4, 3, 7, 3, 10 हुआ ना, कार्बन सल्फर है एंटीमनी, सल्फर और एंटीमनी का मेडिसिनल यूज होता था पहले, कार्बन तो खैर प्रीहिस्टोरिक है ही, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्रीहिस्टोरिक है ही, लेड और बिस्मथ का पॉइजन बनता था, लोग पॉइजन के रूप में इस्तेमाल करते थे, और टिन और जिंक का यूटेंसिल्स में। इसके बाद डिस्कवर्ड एलिमेंट्स, लोगों ने इसको ढूंढा, मोस्टली एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है, अधिकांश एलिमेंट्स तो लोगों ने क्या किया है, ढूंढा है, ये पहले से नेचर में नहीं था। जैसे ऑक्सीजन को ढूंढने वाले साइंटिस्ट कौन थे? हाइड्रोजन से शुरू कर लो। हाइड्रोजन को किसने ढूंढा? कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन को किसने ढूंढा? कैवेंडिश ने 1766। जैसे ऑक्सीजन को किसने ढूंढा? प्रिस्टले ने, प्रिस्टले। एस ब्लॉक मेटल्स को किसने ढूंढा? डेवी ने, हम्फ्री डेवी। एस ब्लॉक मेटल्स को किसने ढूंढा? डेवी ने। इनर्ट एंड नोबल गैसेस को किसने ढूंढा? ये सारे पढ़ने हैं आपको बेटा। रैमसे एंड ट्रेवर्स, ये दो साइंटिस्ट थे, रैमसे एंड ट्रेवर्स, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर ढूंढा। जबकि वहीं पे रेडॉन को ढूंढने वाले साइंटिस्ट थे डॉर्न, 1900 में। देख लो अच्छे से मैंने क्या बोला, मैंने हाइड्रोजन का नाम बोला, कैवेंडिश ने ढूंढा, ऑक्सीजन को किसने ढूंढा? प्रिस्टले ने, एस ब्लॉक मेटल्स डेवी ने, इनर्ट एंड नोबल गैसेज रैमसे एंड ट्रेवर्स। पूछता है Who did introduce inert and noble gases in periodic table? Ramsay and Travers. और रेडॉन को किसने ढूंढा? रेडॉन discovered by Dorn. He was not Dorn. He was Dorn. 1900 में, ठीक है, वहीं से रेडॉन, रेडियो एक्टिव होने के कारण रे आया और डॉर्न से डॉन आया, तो रेडॉन बन गया। तो और भी एलिमेंट्स हैं लेकिन सबको किसी किसी ने ढूंढा है, ठीक है। अब आता हूं सिंथेटिक एलिमेंट्स, जो मैनमेड एलिमेंट्स। सिंथेटिक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 95 एमेरिशियम एक्टिनाइड है, से लेकर के
118 ऑर्गेनोजोन पीरियोडिक टेबल का आखिरी एलिमेंट, 95 से लेकर के 118, तो कितने एलिमेंट्स हो गए लोग, 100 से 118, 18 और 95 से 100, तो टोटल 24 एलिमेंट्स हो गए। तो आप कह सकते हैं 24 एलिमेंट्स सिंथेटिक है। अब आप ही सोचें, हमने लिखा है ऊपर एक लाइन कि मोस्टली एक्टिनाइड्स आर मैन मेड, तो एक्टिनाइड्स कहां से कहां है, कहां से कहां है, एक्टिनाइड्स 90 से स्टार्ट होकर के 103 तक है, और इसमें मैनमेड कहां से है, 95 से, तो इसका मतलब है ये कहां से कहां हो गया, 95 से लेके 103 तक कितने एलिमेंट्स हैं, तो 95 से 103 तो 3 हो गया उधर, और 95 96 97 98 99 100, समझ रहे ना, 6 और 3 9, 9 एलिमेंट्स आउट ऑफ 14, अगर 9 एलिमेंट्स, 14 में से अगर 9 एलिमेंट मैनमेड हुए तो क्लियर हो गया ना, अधिकांश लैंथेनाइड्स क्या हो गए, मैनमेड, एमेरिशियम ऑनवर्ड्स। और जो सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं इनको बनाने का तरीका क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई नॉन एलिमेंट जो नेचुरल है उस पर प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट करो, कभी अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करो, कभी न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करो, मतलब ह्यूमन मैनिपुलेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑन नेचुरल एलिमेंट्स इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम लोग किसी नेचुरल एलिमेंट पर फंडामेंटल पार्टिकल के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ह्यूमन मैनिपुलेशन, उसको फोर्सली एंड करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह को, कहां पे, न्यूक्लियस में, तो हमारा नया एलिमेंट बनता है मैनमेड। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जो हमारे सिलेबस में है, क्यूरियम को कैसे बनाया, प्लूटोनियम 94 है, इस पर क्या किया गया, न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल करके बॉम्बार्डमेंट करवाया गया, किस चीज का बॉम्बार्डमेंट बेटा, अल्फा पार्टिकल्स का। अब व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, हीलियम प्लस प्लस, तो आप अच्छे से जानते हो 2-4 मतलब दो प्रोटॉन इसके पास, हमने 94 पर दो प्रोटॉन मारा, ऐड हो गया 96 बन गया, समझ में आ गई चीजें। तो फर्स्ट जो मैनमेड एलिमेंट था क्यूरियम, ये बना जो नेचुरल एलिमेंट है प्लूटोनियम, उस पर फोर्सली उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड करके तैयार हुआ, तो हमारा यही प्रोसेस है। या एक प्रोसेस और है, न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन, छोटा मोटा न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन करवाओ तो उससे बहुत सारे मैनमेड एलिमेंट्स बनते हैं, एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन, तो एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन से भी बहुत सारे एलिमेंट्स बनाए जाते हैं, छोटे मोटे एटॉमिक बॉम्ब, अभी थोड़ी ना है कि किसी एलिमेंट को बनाने के लिए चलो गिरा देते हैं चाइना पे एक ढोकला नहीं हो सकता है। तो आपने पढ़ा सिंथेटिक एलिमेंट्स 95 टू 118 है, जिसमें से कि हमारा 95 टू 103 जो है वो क्या है, एक्टिनाइड वाला है, 9 एलिमेंट्स, 24 में से 9, तो आप गौर कर रहे हो स्टार्ट हो रहा है 95 से, इसका मतलब लैंथेनाइड में कोई भी मैनमेड नहीं है, इस चीज को आप पीछे लिखेंगे, इसमें कोई भी मैनमेड एलिमेंट नहीं है, ये बात आप लिखेंगे। None of the lanthanides is man-made. बहुत लोग पढ़ा देते हैं, क्या जानते हो, लैंथेनाइड में एक एलिमेंट मैनमेड है, कौन, PM61, Promethium 61, बहुत लोग पढ़ा देते हैं कि लैंथेनाइड्स का एक एलिमेंट मैनमेड है, कौन, Promethium। हमने क्या बोला, वो मैनमेड था, कब, शुरू में इंसानों ने बनाया, बट वो नेचर में बाद में मिल गया, जैसे स्टैटिन, तो स्टैटिन को आप नेचुरल एलिमेंट आज बोलते हो, उसी तरीके से Promethium को यू विल हैव टू स्ट्रॉन्गली कॉन्वे दिस इज अ नेचुरल एलिमेंट, उसको आप नहीं कह सकते मैनमेड। उम्मीद है मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। लैंथेनाइड में नन ऑफ द लैंथेनाइड्स इज मैनमेड, कोई भी लैंथेनाइड्स में से मैनमेड नहीं है, और एक्टिनाइड्स में से 95 के ऑनवर्ड सारा का सारा क्या है, मैनमेड एलिमेंट है। मेरी बातें अच्छे से समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी से बताएं मुझे प्लीज, क्या ये आपको एलिमेंट्स का ये हिसाब किताब समझ में आया जो अभी मैंने समझाया, नेचुरल मैनमेड ये सारा चीज आपका क्लियर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी। गुड,
अच्छा चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब लोगों को समझ में आया अच्छे से, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए अब शुरू किया जाए। तो हमने देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी एक बार आपके सामने दोबारा से यहां रिपीट कर लिया, मतलब रिवीजन बोल सकते हो। तो अगर आपसे किसी ने बोला भैया जल्दी से थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, आप बोलोगे जल्दी से आपको बोल दे कि आप एक बार ठीक से देख लो, कोई एलिमेंट मान लो बर्किलियम बी के, अभी पूछा है लास्ट में 2021 में जेई मेन ने, एटॉमिक नंबर 97 है बर्किलियम, किसी ने पूछ दिया कैलिफोर्नियम 98, ठीक है, किसी ने पूछ दिया आइंस्टीनियम ES 99, कॉन्फ़िगरेशन बताओ किस तरह से किया जाए। तो देखो आराम से, हमने याद किया हुआ है, बहुत आराम से बनाना है। एक्टिनाइड्स क्या याद किया हुआ, पहला एलिमेंट 90 में D2, 91, 92, 93 में D1, बाकी में कहीं D इलेक्ट्रॉन नहीं है। और हमने देख लिया है F7 के बाद, F7 और F14 को बचाने के लिए D में 1 डाल सकते हैं। तो चलो आ जाओ, रेडॉन 7s2 5f बाद में 6d पहले 2, तो 86 टू 88 टू 90 0, समझ में आ गई होंगी चीजें, क्लियर है। अब आ जाओ, अगर आपसे बोला जाए कि भाई साहब आप थोरियम पर 3+ का लिखें, तो थोरियम पर 3+ का लिखने में अब याद करो हमने ये भी आपको करवाया हुआ है, रेडॉन 7s से गायब हो गया, 5f0 और 6d1, हमने क्लियर बोला था ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है इसका, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, याद कर लो, याद कर लो, जैसे ही एस हटता है डी का इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाता है एफ पर, और इसी वजह से आप थोरियम को एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, अदरवाइज वो डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाता। हमने बोला था कि किसी भी एफ ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ग्राउंड स्टेट में या किसी भी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक्टिनाइड होने का कंडीशन क्या है, एफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड चाहिए, कहां पे, या तो ग्राउंड में, तो ग्राउंड में नहीं है, या उसके किसी भी नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो थोरियम के 3+ में एफ में 1 है, और हमने बोला ये बवाल क्वेश्चन है, मतलब अगर पूछ लिया तो सारे लोग आउट है। तो थोरियम इसी वजह से एफ ब्लॉक एलिमेंट है, क्या, क्योंकि उसके प्लस 3 में एफ इलेक्ट्रॉन है, उसका डी वाला इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाता है एफ में, जैसे ये एस हटता है वहां से तो हाई लेवल से एनर्जी लो लेवल पे तुरंत ड्रॉप कर जाता है, चूंकि क्लोज एनर्जी। अब बर्किलियम लिखना है, आ जाओ, रेडॉन 7s2 हमने याद किया हुआ है 91 92 93 में D1, ये उसमें नहीं है तो D0, अब रेस्ट बैलेंस कर लो, 86 टू 88 तो 5f में कितना चले जाएगा, 88 9, बहुत आराम से हमने बना दिया। मान लो 98 लिखना है, हमने याद किया हुआ है 7s2 5f10 6d0, इसमें भी कहीं से d1 नहीं लगाना है, 90 आइंस्टीनियम 99 तो रेडॉन 7s2 5f11 और 6d0, कहीं पे कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो हमने कर दिया, अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पर बातें करते हैं। जैसे लैंथेनाइड का एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, सारे लैंथेनाइड का, तो सारे एक्टिनाइड का भी एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और वो है +4, इस बार +3 नहीं है, हालांकि आधे का +3 है आधे का +4, लेकिन फिर भी अगर आपसे एक बोला जाए तो आप +4 ही बोलेंगे। ठीक है, तो अब वो चीजें मैं लिख देता हूं जो हमने बोला कि एक्टिनाइड का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, ध्यान से,
ऑल एक्टिनाइड्स डू सो अ वेरी कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एच प्लस फोर. सारे के सारे एक्टिनाइड्स एक कॉमन और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं क्या, प्लस फोर. अच्छे से देख लेंगे. फिर भी फ्यू मेंबर्स कुछ मेंबर प्लस थ्री प्लस फोर दोनों शो करते हैं और कुछ मेंबर्स प्लस फोर के बाद आगे प्लस फाइव प्लस सिक्स या इससे आगे भी जाने की क्षमता रखते हैं. तो हमें एक्टिनाइड्स पर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं अटकना है, बस ये वाला लेंथेनाइड में रिलेटिवली थोड़ा बोलना. जैसे यूरेनियम प्लस सिक्स तक जाता है, नेपच्यूनियम प्लस सिक्स तक जाता है, प्लूटोनियम प्लस सिक्स से ऊपर भी जाने की क्षमता रखता है. तो कुछ मेंबर जनरल चार है, कुछ मेंबर चार से तीन पे भी आ जा सकते हैं और कुछ मेंबर चार से आगे भी जा सकते हैं. लेकिन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड की प्लस फोर हो गई, इससे ज्यादा एक्टिनाइड में बातें नहीं करनी है. लैंथेनाइड में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री हो गई, लेकिन सीरियम थ्री के अलावे फोर भी शो कर सकता. और SMEU YBLU ये थ्री के अलावे टू भी शो कर सकते हैं. क्लियर है? तो एक्टिनाइड के ऑक्सीडेशन स्टेट पर इससे ज्यादा बातें ना करें, आप सिलेबस से बाहर जाएं क्योंकि काफी वास्ट बड़ा चीज है वो एक्टिनाइड. फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा, थोड़ा समय आने दीजिए. और भी जहां पे चीजें जरूरत पड़ेंगी मैं खुद बोल दूंगा. आ जाइए, अब मैं क्या बातें कर रहा हूं, अब मैं बातें कर रहा हूं कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन लैंथेनाइड आयंस. कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन लैंथेनाइड आयंस. देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने डील कर दिया. सीन पर टू प्लस टू प्लस से पहले ले लेता हूं, चूंकि टू प्लस भी है, हालांकि हमने पढ़ाया हुआ है, बस इसको एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, शायद याद हुआ आपको क्यों मैं कर रहा हूं, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा. आपका सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन था जेनॉन 6s2, तो टू प्लस करने पर जीरो हो जाएगा, हाफ 4f0 और 5d1 था ना सीरियम, अभी आपने लिखा 4F1 5D1 था जेनॉन 6S2, तो 54 टू 56 178. अब आपने प्लस 2 किया, तो प्लस 2 जैसे ही किया तो आपका बचा D से निकल गया प्लस 2 ना. हाँ, प्लस 2 में D से क्यों निकलेगा भाई, D से नहीं निकलेगा ना, D1 यही होना चाहिए. जैसे ही 6s इलेक्ट्रॉन हटा है, एक बार फिर से d इलेक्ट्रॉन इस पे माइग्रेट कर जाएगा, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा गलत है. जैसे थोरियम 3+ में हुआ था, हाई एनर्जी वाला लो एनर्जी पर माइग्रेट कर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहां लोग क्या हो जाएगा, 4f1 5d0. जैसे ही एक्टिनाइड में 7s इलेक्ट्रॉन हटा और आपने D1 लिखा या थोरियम 3+, तो जैसे ही ये हटा तो D इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर गया किस पर, F पर, इन एब्सेंस ऑफ S. हमने बहुत क्लियर पढ़ाया हुआ पीछे, इसलिए उसको भी मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस मैं फैक्ट को रिपीट कर रहा हूं कि आपको जिहन में आ जाए. तो उसी तरीके से जैसे ही आपका 6s इलेक्ट्रॉन हटा तो ये हाई एनर्जी वाला लो एनर्जी पर माइग्रेट कर गया, तो आपका रह गया 4F1. अब इनके पास D1 था ही नहीं, तो जब D1 था ही नहीं तो ये 4F
क्या रहेगा बेटा, टू फोर एफ थ्री, फोर एफ फोर, फोर एफ फाइव, फोर एफ सिक्स, एक बार बीच में आ जाइए गैडोलिनियम, तो गैडोलिनियम का भी सोच ले, टू निकल गया तो हो जाएगा फोर एफ सेवन और फाइव डी वन, इसको मत स्विच करवा देना उधर क्योंकि उसकी हाफ फील्ड है, वो मत डिस्ट्रॉय कर लेना, ये हाफ फील्ड है ना। हमने बोला कि जैसे आपने एस को हटाने के बाद डी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लिया लो एनर्जी पर, हाई एनर्जी वाली लो एनर्जी पर, क्योंकि ये सारी पुअरिंग ऑफ शील्डिंग की जितनी भी गड़बड़ी है उसके कारण होती है, और सब एस अच्छा शील्ड करता है, इसलिए जैसे हम लोग बदमाशी करते हैं मम्मी बचाव करती है, इसलिए बहुत सारा ऐसा बदमाशी वाला काम आप कर जाते हैं क्योंकि आपको पता है मम्मी है ना यार, मम्मी देख लेगी, पापा से बचा ले। तो आप इलेक्ट्रॉन एक इधर एक उधर रखे हुए हैं, वो सब एस के वजह से होता है। अगर एक बार आपने एस को हटाया, मम्मी सामने से गायब, आ गए अपने आप औकात पे, पापा देख लेते हैं उसके बाद अपने डिसिप्लिन में, नहीं तो मम्मी है तो खेलते खेलते यार 15 मिनट और खेल लेते हैं ना, मम्मी देख लेगी बचा लेगी, ठीक है। तो जैसे ही आपका एस इलेक्ट्रॉन हटा तो आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, एनर्जी लेवल आपका डिसिप्लिन्ड हो जाता, तो आपका डी इलेक्ट्रॉन एफ पर स्विच कर जाता, एकदम क्लियर क्लियर एफ पर स्विच कर गया, तो आप एफ वन हो गए, और इधर तो था ही नहीं, इसमें आप स्विच नहीं कर सकते, नहीं तो आपका हाफ फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अब इधर रेगुलर हो जाएगा, अब लास्ट में आ जाओ क्या आ जाएगा आपका फोर एफ थर्टीन, थर्टीन की फोर्टीन सिक्स एस टू फोर्टीन ना, और यहां फोर एफ 14, 5d1, यहां तो मजबूरी है आपकी क्योंकि आपने s से निकाला, तो अभी d1 रहेगा, यहां तो मजबूरी है, इसको भी आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। तो आपने क्या देखा, इस तरह से लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में आयन में एक थोरियम 3 प्लस, जहां पर आपका क्या हो गया था 5f पर इलेक्ट्रॉन 6d वाला ड्रॉप कर गया था, और आपने एक देखा सीरियम 2 प्लस, जहां पर 4f पर आपका 5d का इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर गया। ये दो आयंस में पूछ दे तो बवाल मच जाए, और आपके एनसीईआरटी में दी भी है, और हमने इसको आज दोबारा पढ़ाया है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से याद होगा, ये हमने दोबारा पढ़ाया। आयन में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के आयन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन दोनों को छोड़ के। इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है, इन दोनों में यह प्रॉब्लम है जैसे ही ऐसे इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन डी वाला एफ में जंप कर जाता, बाकी कहीं स्कोप ही नहीं है जंप करने का, डी में है ही नहीं, डी में है ही नहीं। अब अगर मैं इनके ट्राइवेलेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, किसका डायवेलेंट के बाद इनके ट्राइवेलेंट का, अब आ जाओ सी पर थ्री प्लस, पी आर थ्री प्लस, एनडी थ्री प्लस, जीडी थ्री प्लस, वाईबी थ्री प्लस, एलयू थ्री प्लस, देख लो अच्छे से। तो जेनॉन दो सिक्स एस से निकाल लिया, अब दो तो निकला हुआ है तो एफ वन तीसरा निकल गया, तो एफ जीरो, तो एफ वन, तो एफ टू, डी से एक और निकल गया तो एफ सेवन, समझ लो एकदम रेगुलर, एक और निकल गया तो एफ थर्टीन, और एक यहां से निकल गया तो एफ फोर्टीन, मतलब इसमें कोई गड़बड़ी है ही नहीं, बहुत जनरल है, बहुत जनरल है। तो आपसे बोला जाएगा कि डायवेलेंट और ट्राइवेलेंट में कौन कौन डायमैग्नेटिक है, क्वेश्चन विच एल एन टू प्लस मतलब लैंथेनाइड्स टू प्लस इज या आर डायमैग्नेटिक, कौन कौन डायमैग्नेटिक है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर है, जल्दी से मुझे बताएं कौन कौन से, आप समझ रहे हैं क्वेश्चन मेरा, कौन कौन से लैंथेनाइड्स डायवेलेंट आयंस आर डायमैग्नेटिक, इज आर डायमैग्नेटिक, कौन कौन से लैंथेनाइड्स डायवेलेंट है जो डायमैग्नेटिक, आप जल्दी से देख के बताएं, सोचे, क्वेश्चन एकदम सामने है, एग्जैक्टली एआईपीएमटी नीट 2013 का क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से कौन डायमैग्नेटिक है, सी टू प्लस, वाईबी टू प्लस, एलयू टू प्लस, जीडी टू प्लस, ऐसे करके दिया हुआ था। तो मेरा यह सवाल है कि कौन कौन से लैंथेनाइड्स डायवेलेंट आपको डायमैग्नेटिक नजर आ रहे हैं, जल्दी कौन कौन से लैंथेनाइड डायवेलेंट आयंस आपको डायमैग्नेटिक नजर आ रहे हैं,
जल्दी से, आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। बहुत तेजी से जवाब आ गया। रचित ने लिखा है YB 2+। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल। और कोई भी डायवेलेंट डायमैग्नेटिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ YB 2+, बाकी कोई भी डायमैग्नेटिक नहीं। आप अच्छे से देख ले, यहाँ D1 है, ये सब में अनपेयर्ड है, सब में अनपेयर्ड है, और यहाँ F0 नहीं है, वहां भी F1 है, इसलिए कोई भी डायमैग्नेटिक नहीं है। इसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ YB 2+। बहुत अच्छा जवाब है। अब मेरे को सेम क्वेश्चन यहां पे ला रहा हूं मैं, जल्दी से लोग बताइए, विच लैंथेनाइड ट्रायवेलेंट आयंस इजिया आर डायमैग्नेटिक। ट्रायवेलेंट में कौन कौन डायमैग्नेटिक है? बहुत अच्छा, LU and CE, बहुत अच्छा, F14, वेरी गुड, एंड CE3+, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा जवाब। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया LU and CE, मतलब CE पर 3+ और LU पर 3+। अब अच्छे से सुनेंगे, चूंकि रिमेनिंग आयंस पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है, तो ये आयंस इसीलिए वाटर में इनका सॉल्यूशन कलरलेस है, कलरलेस, क्लियर है। बाकी जो पैरामैग्नेटिक आयंस हैं, जब उन पे लाइट पड़ता है तो फ्रीक्वेंसी वो एब्जॉर्ब करके वो एक एफ ऑर्बिटल से दूसरे एफ ऑर्बिटल में स्विच करते हैं, इसको FF ट्रांजिशन बोलते हैं, और इसके कारण वो कलर्ड होते हैं। क्या बोला हमने, जरा ध्यान से देखें, दस लैंथेनाइड, मोस्टली लगा देता हूं, दस मोस्टली लैंथेनाइड ट्रायवेलेंट आयंस, अच्छे से देखिएगा बेटा, M पर 3+, मोस्टली लैंथेनाइड ट्रायवेलेंट आयंस आर पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड। ज्यादातर जो लैंथेनाइड के ट्रायवेलेंट आयंस हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं और कलर्ड है, सारे नहीं, ज्यादा, मोस्टली, क्लियर लिखा हुआ, क्योंकि आपने क्लियर बोला है कि डाया दो ही है, तो मोस्टली ट्रायवेलेंट जो है लैंथेनाइड के आयंस पैरामैग्नेटिक है और कलर्ड है। अगर आपसे कोई बोलेगा कलर क्यों है, तो उसका रीजन है कलर इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन। FF ट्रांजिशन, व्हाट इज FF ट्रांजिशन? तो FF ट्रांजिशन का मतलब होता है, आगे हालांकि आप सीखेंगे इस बात को, DD ट्रांजिशन, FF ट्रांजिशन, F का एक इलेक्ट्रॉन F के दूसरे ऑर्बिटल पर, यह भी F ही है और यह भी F ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एफ एनर्जी पर जंप कर जाता है, थोड़ा एनर्जी लेकर के, जब लाइट पड़ता है तो, ठीक है, एक एफ ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे एफ पर जंप करते रहता है और ये आपस में एनर्जी अलग हो जाती है इनकी, ये अभी आप नहीं समझेंगे, ये बराबर एनर्जी की नहीं रहते। एफ के जो सारे आप डिजनरेट बोल रहे हैं वो एक समय में अपनी डिजनरेसी लूज कर लेते हैं, तो अभी आपको उतना समझना नहीं है, आप बस इतना जानिए कि F, एक F का इलेक्ट्रॉन दूसरे F ऑर्बिटल पर जंप कर जाता है खाली पर, इसको FF ट्रांजिशन बोलते हैं, ट्रांजिशन मतलब आना जाना, तो FF ट्रांजिशन के कारण मोस्टली पैरामैग्नेटिक लैंथेनाइड ट्रायवेलेंट आयंस आर कलर्ड, मोस्टली लैंथेनाइड ट्रायवेलेंट आयंस आर कलर्ड, आपको यह बोलना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन कौन कौन कलर शो नहीं करता है वो याद रखना और भी ज्यादा जरूरी है, एक्सेप्ट मतलब कलरलेस कौन कौन है,
पहला सी थ्री प्लस, यह डाया है। आखिरी वाला एल यू थ्री प्लस, ये भी डाया था। लेकिन बीच में दो और है पैरा वाला, कौन कौन? सी डी थ्री प्लस और वाई बी थ्री प्लस। हां जी, ये दोनों पैरा है, फिर भी ये दोनों पैरा है, फिर भी कलरलेस है। पैरा है फिर भी कलरलेस है, और ये दोनों डाया है और कलरलेस है। तो इतना आसान नहीं है। आप एक बार जेई मेन 2000, एग्जैक्टली मैं बातें कर रहा हूं जेई मेन 2010, उस समय वो ए आई ट्रिपल ई था, जेई मेन नहीं बना था, ए आई ट्रिपल ई के नाम से पेपर होता था। उस साल क्या किया गया था, कुछ क्वेश्चंस दो मार्क्स के थे, कुछ चार मार्क्स के थे और कुछ आठ मार्क्स के थे। तो पूछा था इनमें से कौन लैंथेनाइड कलरलेस आयन है, और आठ मार्क्स था उस क्वेश्चन। तो सोचो इस क्वेश्चन में दम होगा तभी ना, कौन लैंथेनाइड पैरामैग्नेटिक है और कलरलेस, और आठ मार्क्स का वो क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक और कलरलेस। तो लोगों को लगता है पैरामैग्नेटिक है तो सामान्य तौर पर कलर होते हैं, ये एकदम जनरल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और लाइट पड़ने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर पाता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी होती है। जैसे पेयर्ड ऑर्बिटल स्टेबल होता है पेयरिंग के कारण, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी होती है, तो उसका इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर सकता है, आराम से जंप कर सकता है लाइट मिलने पर, एनर्जी मिलने पर। तो पैरामैग्नेटिक कलर्ड होते, ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो आ जाओ मैं अच्छे से समझा रहा हूं आपको, बढ़िया से देख लो। हमने बोला पहले आपको भाई साहब इस बात को, डेटा को ध्यान रखना होगा कि कौन कौन कलरलेस है। अब पैरा डाया तो निकल भी जाएगा, सी थ्री प्लस, जी डी थ्री प्लस, वाई बी थ्री प्लस, एल यू थ्री प्लस, ये कलरलेस है। अब इसमें दो डाया है कलरलेस है, सिंपल है, बट दो पैरा है और कलरलेस है, कौन दो? एक जी डी और एक वाई बी। अगर आप कहीं भूल गए तो मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, उससे याद भी रहेगा और एक शानदार सवाल बनेगा, जानदार और शानदार सवाल बनेगा। आज मैं टेक्निक दिखाता हूं, पेज नंबर 7, आज पेज नंबर 8, ध्यान से देखो क्या मैं टेक्निक दिखा रहा हूं, देखोगे प्लीज। आ जाओ। सी थ्री प्लस, पी आर, एन डी, पी एम, इनऑर्गेनिक में पहले मैजिक तब लॉजिक, एस एम, ई यू, जी डी, टी बी, डी वाई, एच ओ, ई आर, टी एम, वाई बी, एल यू। घूम के वापस जगह पे आ गए, घूम के वापस जगह पे आ गए। आइए देखिए, दो मिनट में कॉल कर, आइए देखिए अच्छे से बेटा। अरे यार ये क्या हो रहा है? अब कहानी क्या है, ये क्या स्कीम मैं बता रहा हूं आपको। आपने अभी पढ़ा सी थ्री प्लस और एल यू थ्री प्लस, डाया है कलरलेस, सी थ्री प्लस और एल यू थ्री प्लस, थ्री प्लस है, टू प्लस लिखा गया एक जगह। हमने बताया सी थ्री प्लस और एल यू थ्री प्लस, ये दोनों डाया है एंड कलरलेस। ठीक है, अब ये जो मैंने इस तरह से स्कीम बनाया, सी से स्टार्ट किया, लेते लेते गैडोलिनियम बीच वाले को नीचे लिया, फिर घुमा दिया, सामने वाले में सेम कलर होता है, इसीलिए ये स्कीम बनाया। नहीं समझ में आया? सामने वाले का सेम कलर होता है, इसीलिए हमने ये स्कीम बनाया।
क्यों ये स्कीम बनाया लो? क्योंकि सामने वाले का सेम कलर। तो आपने पढ़ा C3+ को कलरलेस, आपने पढ़ा C3+ को कलरलेस, तो भैया दोनों का दोनों कलरलेस, क्योंकि हमने बोला इस स्कीम में ऐसा बना दिया कि सेम कलर। हमने बोला LU3+ को कलरलेस, इसलिए भैया सामने वाला सेम कलर। देखो कितना मजा आ गया। अब ये क्वेश्चन 2004 में एग्जैक्टली AFMC एक एग्जाम होती थी, अब तो सब नीट के स्कोर पे लेते हैं, उसमें पूछा गया था होलमियम 3+ का कलर इसमें से किस कलर के समान है, ठीक है, किसके कलर के जैसा है होलमियम 3+, प्रोमीडियम, PM3+, सेम कलर, तो सामने वाले का सेम कलर। तो इस तरह से आपको स्कीम से साफ पता चल रहा है कि कलरलेस कौन कौन हो गया, एक LU3+, एक GD3+, एक YB3+ और एक CE3+, ये चारों क्या हो गए, सेम कलरलेस, ये आमने सामने, वो आमने सामने, और आपने यहीं से निकाल लिया कि CE3 ये डाया था, कलरलेस हो गया था, इसीलिए सीरियम के सामने वाला कलर LU, कितना आराम से हो गया, और इधर बाकी सब में क्या आमने सामने, सबका सेम कलर, ये YBL, ये YB क्या है यार, ZD TB, सॉरी टर्बियम। तो कितना मैंने बढ़िया स्कीम बनाया, क्या ये स्कीम अच्छे से आप लोगों को समझ में आया, मजेदार, बढ़िया से क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। ये स्कीम सभी लोगों का अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। सभी लोग बताइए। लैंथेनाइड आयंस का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने बताया, और लैंथेनाइड आयंस का हमने कलर डिस्कस करा यहां पे, जो आपसे बहुत क्लियर पूछे जाते हैं। बहुत मजेदार यार, हमने आपको अरेंज करके अपने तरफ से सिखाया है, ये बहुत काम की चीज हो गई, इस तरह से आपके कॉम्पिटिशन के लिए बड़ा कंफर्टेबल जोन में आप चले गए, एक झटके में आपको याद रहने का आसान मैंने तरीका ढूंढ दिया। अब आ लो एक्टिनाइड्स के कलर पर, हम लोगों से ज्यादा बातें पूछेगा नहीं, ज्यादा क्या, बिल्कुल बातें नहीं पूछेगा। ट्रांजिशन मेटल में हमने करना चाहिए था बट हमने छोड़ दिया, सोचा एक ही जगह पर कर लेते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड कलर। ठीक है, आप डायवेलेंट आयंस यहां लेना, कौन सा डायवेलेंट, ट्रायवेलेंट भी ले सकते हैं, चलो वो हटा, वो मैटर नहीं, कलर प्रॉपर्टी। जैसे आपने पढ़ा कि लैंथेनाइड्स में FF ट्रांजिशन के कारण कलर होते हैं, उसी तरीके से ट्रांजिशन मेटल आयंस में TD ट्रांजिशन के कारण कलर होते हैं, कलर इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन। कहानी लंबी है, इतनी आसानी से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसे सारे एक्वस सॉल्यूशन में, ये सारे एक्वस आयंस हैं, वाटर में सारे आयंस एक्वस आयंस। आ जाइए, अब यहां भी मैं बातें कर रहा हूं सारे एक्वस आयंस की। तो स्कैंडियम तो +2 होता नहीं है लोग, बिल्कुल सबका डायवेलेंट से स्टार्ट करो, स्कैंडियम +2 होता नहीं है, टिटेनियम +2 हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक से देख ले, कलर इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन, यहां भी DD ट्रांजिशन होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पर है डी इलेक्ट्रॉन, वो जंप कर जाएगा, जैसे लाइट एनर्जी आएगी वो जंप कर जाएगा ऊपर दूसरे डी ऑर्बिटल पर, मैं करके भी दिखा देता हूं, लेकिन अभी पहले सिंपली कलर इज ड्यू टू DD ट्रांजिशन। किसको हटा दूं मैं, किसको हटा दूं, ये डज नॉट एग्जिस्ट, हाईली अनस्टेबल, तो यार क्यों डिस्कस करना, छोड़ दीजिए ना, हालांकि ये भी अनस्टेबल है लेकिन रहने दीजिए, ये इधर डिस्कस करते हैं, इन लोगों को हटा लेते हैं, अब इधर लाते हैं, आ जाओ
मैं कैसे कलर लिखूंगा, कलर के पैटर्न को ध्यान दो। वी फॉर वैनेडियम, वी फॉर वॉलेट, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। वी फॉर वैनेडियम, वी फॉर वॉलेट, एक कलर निबट गए। अब आ जाओ, आपने पढ़ा होगा 9-10 से ही CuSO4 5H2O इज ब्लू विट्रियोल। एक्चुअली ब्लू विट्रियोल में कलर कॉपर 2 प्लस के कारण ब्लू होता है, और FeSO4 7H2O, जल्दी से इसका नाम बता दो, आपने क्या पढ़ा था 9-10 में, जल्दी जल्दी FeSO4 7H2O का नाम जल्दी। FeSO4 7H2O का नाम आपने क्या पढ़ा था जल्दी? क्या बात है, बहुत अच्छा, शानदार, ग्रीन विट्रियोल, एक्सेलेंट। जी हां, ग्रीन विट्रियोल। और ये जो ग्रीन विट्रियोल है ये Fe2+ के कारण है। एक बार लगे हाथ मुझे ये भी बता दे व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला क्या था, जल्दी जल्दी। व्हाइट विट्रियोल ये भी आपने पढ़ा हुआ है, 9-10 में पढ़ना था। ब्लू विट्रियोल कॉपर 2 प्लस के कारण ब्लू होता है, हिंदी में बड़ा अजीब नाम होता है, नीला थोथा। हाँ, नीला थोथा, बड़ा अजीब नाम है। तो ब्लू विट्रियोल कॉपर 2 प्लस के कारण ब्लू होता है, ग्रीन विट्रियोल Fe2+ के कारण FeSO4 7H2O ग्रीन होता है। मैंने पूछा व्हाइट विट्रियोल का फॉर्मूला किसी के दिमाग में है तो जल्दी बता दो, व्हाइट विट्रियोल, जल्दी 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 जल्दी। क्या किसी को आ रहा है, मैं देखना चाह रहा हूं। क्या बात है, शानदार। अरे सारे पढ़ने वाले लोग हमारे ही यहां है। ZnSO4, बहुत अच्छा, ZnSO4 7H2O, ये व्हाइट विट्रियोल है, बिल्कुल ये व्हाइट विट्रियोल है। और व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट मतलब कलरलेस, ये Zn2+ के कारण है। तो देखिए यार, बहुत अच्छा है, Zn2+ एक्चुअली 3D10 है और डाया है, और डाया वाले को सामान्य तौर पर कलरलेस रहना है, इसीलिए ये कलरलेस है। आपने क्लियर किया Cu2+ का के कारण इसका कलर ब्लू है, आपने क्लियर किया Fe2+ के कारण कलर उसका ग्रीन है। तो तीन का कलर और लिखा गया, Zn2+ कलरलेस, D10 डाया के कारण, Copper2+ ब्लू, ब्लू विट्रियोल, Fe2+ ग्रीन, और कलर लिखा गया। अब आ जाओ ध्यान से देखते जाओ, क्या जुगाड़ लगा रहा हूं। इन ऑर्गेनिक में जुगाड़ बहुत मैटर करता है, क्योंकि पहले मैजिक तब लॉजिक, पहले आंसर पता होना चाहिए, फिर हम लोग लॉजिक पे पहुंच सकते हैं। Nc2+ कौन सा कलर है जो N पर आके खत्म होता है 7 बेसिक कलर में? याद रखने का तरीका, कौन सा 7 बेसिक कलर में कलर है जो N वर्ड पर, N लेटर पे आके खत्म होता है, जिसका नाम, याद रखने का तरीका, जैसे हमने जुगाड़ लगाया ग्रीन विट्रियोल तो Fe2+ ग्रीन, ब्लू विट्रियोल तो Cu2+ ब्लू, तो कौन सा कलर है 7 जो बेसिक कलर है उसमें उस कलर का नाम N पर आके लास्ट हो रहा है, याद आ गया होगा, ग्रीन, ग्रीन। तो इसका कलर हमने याद कर लिया, ग्रीन नी, मतलब ग्रीन N पे जो खत्म हुआ, N से जो शुरू हुआ, ग्रीन। एक और निकल गया, क्या क्या उपाय लगाया, V for vanadium, V for violet, CuSO4 5H2O, that's why Cu2+ blue, FeSO4 7H2O green, that's why Fe2+ green, CuSO4 5H2O is blue, that's why Cu2+ is blue, ZnSO4 7H2O is white, colorless, that's why Zn2+ is colorless, और वैसे भी diamagnetic। हमने क्या उपाय लगाया, Ni पर 2+, Ni, N, green, Ni, green, Ni, मतलब green, connect कर लिया NN, ये भी याद हो गया। अब बच रहा है 3, जैसे वहां पर F7 वाला कलर लेस हुआ, जरा गौर करें, जरा गौर करें अच्छे से अच्छे से, जैसे आपका गैडोलिनियम 3+ और Mn2+ को देखो, Mn2+ में बेटा 3D5 है,
पैरा है, ये भी हाफ फिल्ड था 4F7, ये भी पैरा है। जब एग्जैक्ट हाफ फिल्ड है तो वो कलरलेस आयन निकल गया, कलरलेस निकल गया। यही हाल यहां भी होगा, जब Mn2 प्लस एग्जैक्ट हाफ फील्ड है ये भी कलरलेस निकल जाएगा। तो आपसे पूछेगा कौन से पैरामैग्नेटिक आयन कलरलेस हैं, तो Mn2 प्लस और Zd3 प्लस, ये दोनों पैरा है बट कलरलेस है, ये दोनों पैरा है बट कलरलेस है। क्या बोला हमने, ये दोनों पैरा है बट कलरलेस है। ठीक है, इधर शिफ्ट कर लिए। तो Mn2 प्लस कलरलेस, D5 हाफ फील्ड के सिमेट्री में। अब बच गया Chromium 2 प्लस और Cobalt 2 प्लस। एक लड़कों का फेवरेट कलर है, एक लड़कियों का फेवरेट कलर है। मैंने क्या बोला, अच्छे से सुन, एक Chromium 2 प्लस, एक Cobalt 2 प्लस। एक लड़कों का फेवरेट कलर, एक लड़कियों का फेवरेट कलर। अब ये बताओ वो दोनों कलर कौन से, बताना है, लिटरली बताना है, मजाक नहीं चल रहा है। दो आयन के कलर बचे हुए और एक लड़कों का फेवरेट कलर, एक लड़कियों का फेवरेट कलर है। अब वो दो कलर कौन कौन से है, किसका है वो छोड़ दो, जल्दी से दोनों कलर बताओ, कौन कौन कलर होगा बचा हुआ। लेकिन हमने बोला एक लड़कियों का फेवरेट कलर, एक लड़कों का फेवरेट कलर है, फेवरेट कलर है एक लड़कों का, एक लड़कियों का, बताओ, मजाक नहीं चल रहा है। देखो जरा, मैं अरे जल्दी 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 टाइप कर भाई, कौन सा दो कलर बच रहा है, बच क्या नहीं रहा, मतलब कौन सा दो कलर ऐसा है जिसमें एक लड़कों का फेवरेट कलर, एक लड़कियों का फेवरेट कलर, कोई तो बता दे। लड़के अपने फेवरेट कलर बता दो और लड़कियां अपने फेवरेट कलर बता दो, दैट्स इट, हो गया, बात खत्म, निकल गई। कंफ्यूज हो यार देख रहे, एक नहीं दोनों कलर लिख दिए मैंने बोला लड़के अपने बताओ, लड़कियां अपने बताओ, एक नहीं दोनों लिख दिया, पिंक एंड ब्लू। अब बाकी लोग बोलो यार, उसको लग रहा पिंक एंड ब्लू लड़के और लड़कियों का फेवरेट कलर, अब दूसरे लोग भी बोलो, क्या यही है वाकई क्या, हा? बोल, एक लड़कों का फेवरेट कलर, एक लड़कियों का फेवरेट कलर, बताओ जल्दी से। मुस्कान ने बोला पिंक एंड ब्लू, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, सर मेरा फेवरेट कलर क्या है, मैंने तुम्हारा नहीं पूछा यार, जनरल लड़कों का क्या फेवरेट कलर और लड़कियों का क्या फेवरेट कलर है। बोलो, पिंक है, ब्लू, सही है, बिल्कुल सही है, पिंक कलर और ब्लू कलर, ये दो कलर, एक का पिंक है एक का ब्लू है, किसका पिंक है किसका ब्लू है, किसका पिंक है किसका ब्लू है, ये
ये लाइन देखते होंगे, बड़ा फेमस लाइन है, बहुत फेमस लाइन है। अलग बात है कि गलत है, लेकिन लाइन तो बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत फेमस है बट गलत है, हम लोगों के स्कूल में पढ़ा दिया गया गलत है वो। तो ये लाइन बड़ा फेमस लाइन है, गर्ल्स आर ऑलवेज राइट, राइट राइट कोबल्ट 2+, तो लड़कियों का कलर है। अब जो बच गए बेचारे बांट लेंगे अपना, ले लेंगे, कहानी खत्म हो गई, सबका कलर आ गया। तो देखो हमने कैसे सेट किया, एक बार फिर से मैं दूसरे पेज में दिखाता हूं। वापस यहां हमने लिख दिया वैनेडियम क्रोमियम, अच्छे से देख लो, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, कभी स्लिप करोगे तो आपके पास जुगाड़ होना चाहिए, कॉपर एंड जिंक, अगर कभी कलर भूल गए तो जुगाड़ होना चाहिए। पहला पॉइंट ध्यान से, कहां कहां से हम लोग लाए, वी फॉर वैनेडियम, वी फॉर वायलेट, एक कलर निपट गया, CuSO4 5H2O ब्लू, दूसरा निकल गया, FeSO4 7H2O ग्रीन, तीसरा निकल गया, निपट गया, ZnSO4 5H2O 7H2O व्हाइट, कलरलेस 3D10 डाया। अब Mn2+ एक ऐसा था जो पैरा था, सिमेट्री वाला D5 वाला जो कलरलेस हुआ था, ग्रीन नी। अब एक लड़कियों का कलर, एक लड़के का कलर, गर्ल्स आर ऑलवेज राइट, लड़कियों वाला कलर राइट पिंक, लड़कों का कलर जो बच गया अपना मैनेज करो ब्लू। उम्मीद है याद हुआ होगा, सभी लोग बोलो क्या ये याद हुआ, मेमोराइज हुआ अच्छे से, जल्दी बोलो सभी लोग क्या ये मेमोराइज हो गया पूरा, यहां से वहां प्लस टू वाला, जल्दी 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 जल्दी, क्या ये प्लस टू पूरा मेमोराइज हुआ अच्छे से। कलर आपसे डायरेक्टली कलर पूछेगा, और कई बार कंपाउंड के कलर में चीजें आ जाती है, कॉन्सेप्ट आ जाता है, और कई बार मतलब क्वेश्चंस बहुत तरह से इसके आते हैं। मेमोराइज हुआ सभी को प्लस टू वाला, जल्दी बोलो, फिर मैं प्लस थ्री वगैरह पे जाऊं, जल्दी प्लस टू मेमोराइज हुआ सभी को। सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग गुड। अब इसके बाद कुछ कुछ प्लस थ्री वाले का भी कलर पता होना चाहिए, जैसे प्लस थ्री में एक क्रोमियम 3 याद रखें, एक आयरन 3 याद रखें, और एक एक वैनेडियम 3 भी चाहे तो याद रख सकते हैं, क्रोमियम वैनेडियम क्रोमियम और आयरन। हाँ जी, प्लस थ्री में 3 का कलर याद रखना चाहिए, ठीक है। अब सबके लिए जुगाड़ नहीं लगा पाएंगे यार, इतना आसान भी नहीं है। वैनेडियम 3 ग्रीन, क्रोमियम 3 भी ग्रीन, क्रोमियम 3 वायलेट कलर भी हो सकता है, हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, लेकिन ग्रीन बोलेंगे आप, और आयरन 3 येलो। तो प्लस थ्री में ये कलर याद रखेंगे आप, और टिटैनियम 3, अच्छा वही तो मैं कह रहा था, एक छूट रहा है कुछ, प्लस 3 में टिटैनियम का भी प्लस 3 का कलर याद रखना होता है, टिटैनियम प्लस 3 का कलर पर्पल। अब देखो डीडी ट्रांजिशन होता कैसे, मैं दिखाता हूं डीडी ट्रांजिशन किस तरह से होता है। जैसे आपने देखा टिटैनियम 3+ है, तो टिटैनियम 3+ का 3D1 हो गया, तो एक्चुअली आपके जो डी के 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही वाटर में आया ये आयन टिटैनियम 3+, जैसे ही वाटर में आयन आया तो ये 5 डी ऑर्बिटल 2 सेट में बट जाते हैं, 2 ज्यादा एनर्जी पर चला गया, 3 कम एनर्जी पर। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ध्यान से सुनोगे, हमने बोला वाटर में जाने पर इसके डी के जो डिजनरेट ऑर्बिटल वो 2 और लेवल में स्प्लिट कर जाते हैं, इसको कोऑर्डिनेशन में डिटेल में पढ़ेंगे आप, तो स्प्लिट करने के कारण कुछ डी ऑर्बिटल यहां कुछ यहां। अब क्या है, जैसे ही लाइट पड़ेगा तो लाइट पड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा, एक्साइट कर जाएगा, एक्साइटेशन हो गया, लाइट पड़ने पर एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट, तो इसी को बोलेंगे डीडी ट्रांजिशन, डी से डी में जंप किया। तो यही एफ वाले में भी होता है, तो एफ जो लैंथेनाइड के आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं, क्यों, एफ ट्रांजिशन।
तो ट्रांजिशन मेटल के आयंस कलर्ड क्यों होते हैं? डीडी ट्रांजिशन। तो टिटानियम 3+ पर्पल है, वही हमने दिखाया कि किस तरह डीडी ट्रांजिशन होता है। तो 3+ में टिटानियम 3+, वैनेडियम 3+। अच्छा जल्दी से आप स्कैंडियम 3+ का कलर बताएं बिना गूगल किए, प्लीज रिक्वेस्ट, जल्दी से दिमाग लगाएं क्या आता होगा। स्कैंडियम 3+ मैंने पूछा, जल्दी स्कैंडियम 3+ का कलर हमने पूछा, जल्दी बता दीजिए। तो मेरे को क्या लग रहा है आपको स्कैंडियम 3+ का कलर क्या होता होगा? जल्दी स्कैंडियम 3+ का कलर, जल्दी जल्दी जल्दी। स्कैंडियम 3+ की कलर का हमने बोला अनुमान लगाने को, आपको गूगल नहीं करना, दिमाग लगाइए, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और दिमाग लगाइए, बड़े आराम से आप दिमाग लगा पाएंगे। स्कैंडियम 3+ का कलर, क्या बात है, शानदार, वेरी गुड, कलरलेस, बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत आराम से पकड़ में आ गया होगा। 3D0 ना, तो 3D0 इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन में क्या जाएगा? कलरलेस, बहुत अच्छा जवाब, ठीक है। तो ये डायवेलेंट का हमने याद करा लिया, एक बार फिर से दिमाग में लिया, और डायवेलेंट को कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान से, V फॉर वैनेडियम, V फॉर वायलेट, व्हाइट विट्रियोल Zn2+ कलरलेस, ग्रीन विट्रियोल FeSO4 7H2O Fe2+ ग्रीन, ब्लू विट्रियोल Cu2+ ब्लू, ग्रीन नी Ni(Ni)Nc2+ ग्रीन, क्लियर हो गया। अब हमारे पास Mn2+ पैरा है, D5 कलरलेस, अब बचता है एक पिंक और एक ब्लू। गर्ल्स आर ऑलवेज राइट, लड़कियों का कलर दाहिने तरफ रखा हुआ Cobalt 2+ पिंक, लड़कों का कलर बाएं तरफ रखा हुआ Chromium 2+ ब्लू। हमने क्लियर कर दिया जो क्वेश्चंस जनरली आते हैं एग्जाम में, हमने वो क्लियर किया, ठीक है। तो एक बार और मैं आपसे पूछता हूं जल्दी से, Titanium 4+ का कलर बताइए। मैंने क्या पूछ दिया, जल्दी जल्दी मैंने पूछा जल्दी से क्वेश्चन में, Titanium 4+ का कलर बताओ, इसका कलर क्या होगा? वेरी गुड आंसर, कलरलेस, वेरी गुड कलरलेस, क्यों? क्योंकि Titanium 4+ ये 3D0 हो गया। अब चलो, लेकिन बट अगर Vanadium 5+ Chromium 6+ और Magnesium 7+ लिया जाए, ध्यान से, हमने आपको पढ़ाया कि ये तीनों आयन डज नॉट एग्जिस्ट एज फ्री आयन, does not exist as free ions in aqueous solution. याद करो, ये ions जो है वो free ions के रूप में aqueous solution में exist नहीं करते हैं, clear है? जबकि इनके पास भी 3D0 है, इनके पास भी 3D0 है, और इनके पास भी 3D0 है, लेकिन ये free ions के रूप में exist नहीं करते हैं। ये पानी में, water में जो soluble oxygen है, water में जो soluble ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को ट्रैप करता है, और ऑक्सीजन के साथ ये खुद को, अपने आप को उसमें ढाल लेता, मतलब ऑक्सीजन को मर्ज कर लेता अपने साथ। कौन? ये चार्ज वाले, ज्यादा चार्ज वाले आयंस। तो ये एग्जिस्ट करते हैं किस फॉर्म में, जरा ध्यान देखो, एग्जिस्ट एज VO4 पर ट्रिपल माइनस, एग्जिस्ट एज CrO4 पर डबल माइनस, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है ये लोग, क्योंकि ये फ्री आयन में नहीं रह सकता, ज्यादा चार्ज वाला फ्री आयन में नहीं रहता, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब चार्ज लो हो, बहुत लो हो, 2+ और 3+, तो वो फ्री आयन में रह सकता है। जब चार्ज एक इंटरमीडिएट हो, 4+, तो वो फ्री आयन में भी रह सकता है, ऑक्सो कैटायन में भी रह सकता है ऑक्सीजन को ट्रैप करके, और ऑक्सो एनायन में भी रह सकता है ऑक्सीजन को ट्रैप करके। कम ऑक्सीजन लेगा तो कैटायन, ज्यादा ऑक्सीजन लिया तो अनायन, बट अगर चार्ज बहुत हाई हो गया तो ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रैप करके वो सिर्फ अनायन में एग्जिस्ट करता। मैं इसको अभी लिखने जा रहा हूं, पहले आप समझ ले। तो मैंने बोला ये लोग फ्री में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए यहां पर डीडी ट्रांजिशन नहीं है, ये ऑक्सीजन को जो ट्रैप कर रहा है ना, तो इन सब के अंदर एक कॉमन चीजें होती है, कॉमन घटना होती है, जैसे ये होता है पेल येलो, जरा ध्यान से देखिएगा अच्छे से प्लीज, एकदम बरकरार रखें अपनी एनर्जी को।
ये होता पेल येलो और क्रोमेट येलो, हमने कितनी बार करवाया भी है, और पर मैग्नेट पर्पल। और इन तीनों में जो कलर है, ये कलर इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। डीडी ट्रांजिशन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डीडी ट्रांजिशन कैसे बोलिएगा। इनके पास कलर इज ड्यू टू है, इसका रीजन है एलएमसीटी, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप सीखेंगे। अभी ध्यान नहीं देना, जेई एडवांस 2015, जेई मेन 2015 का भी क्वेश्चन है, बहुत बार आया यार, 15 छोड़ो ना, बहुत बार आया, लेकिन इसको अभी ध्यान नहीं देना, बस इतना, कलर इज नॉट ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। इन सब में एलएमसीटी होता है, एलएमसीटी कलर फैक्टर, कलर फैक्टर एलएमसीटी, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन नहीं होता, अभी ये बोलना है कम से कम कि डीडी ट्रांजिशन नहीं होता, क्लियर है। तो VO4 ट्रिपल माइनस वैनेडियम 5 प्लस इज पेल येलो, क्रोमियम 6 प्लस इज येलो, क्योंकि ये सब एग्जिस्ट करते हैं फ्री आयन के रूप में, नहीं इस रूप में, इस फॉर्म। आज मैं ये बातें जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, इसको मैं एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से देख लो, पेज नंबर 11, आखिरी पेज कर रहा हूं आज का, ध्यान से। ऑक्सीडेशन स्टेट टेक्स इटसेल्फ इन एग्जिस्टेंस इन वेरियस थर्मोडायनामिकली फीजिबल वेज। हमने बोला एक ऑक्सीडेशन स्टेट खुद को एग्जिस्टेंस में लेता है इन वेरियस फिजिबल, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल वेज, बहुत सारे तरीकों से अपने आप को रखने की कोशिश करता है, क्लियर। कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप को एग्जिस्टेंस में लाता है बहुत सारे तरीकों से रखने की कोशिश करता है। जैसे इसको ऐसे समझा जाए, जैसे हमारे देश में घूस लेना, ब्राइब, बहुत कॉमन चीज है, ऊपर से पैसा नीचे से पैसा। लोग एसपी डीएसपी बनते किस लिए, वीडियो किस लिए बनते, आप स्टेट में जानते होंगे, वीडियो साहब बड़े फेमस होते हैं, एक एक वीडियो 100-100 आईटीएन के बराबर पैसा कमा लेते हैं। अब कितना नंबर का ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो साहब की तनख्वाह ऐसी है कि 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह है, सैलरी जिसको बोलते हो, और वीडियो साहब अपनी जिंदगी में 100 करोड़ तो कमा ही लेते हैं। तो अब अगर किसी से पैसा लेंगे तो भाई अगर 2-4 लाख लेना हो तो फ्री आयन आ जाओ, एकदम कैश दे दो आके। ज्यादा लेना है, ज्यादा लेना है, अब कैश ले नहीं सकते हैं, 50 लाख लेना है, 1 करोड़ लेना है, कैश नहीं ले सकते हैं 1 करोड़ रुपया। तो एक काम करना भैया, 1 करोड़ रुपया देना है तुमको तो एक फ्लैट दे दो ना, कोई छोटा मोटा। कैश नहीं लेते क्योंकि कैश रखेंगे कहां, अकाउंट नहीं है, अकाउंट में रख नहीं सकते। एक फ्लैट दे दो ना, मेरे घर में किसी के नाम पे एक फ्लैट कर दो, फ्लैट कर दिए। और ज्यादा लेना है, 10 करोड़ लेना है, जमीन दे दो कोई बड़ी वाली, कोई महंगी वाली जमीन दे दो, मेरे नाम कर दो यार। तो एक जो चार्ज एक्वायर करना, चार्ज पावर जो एक्वायर करना पैसा, वो हम अलग अलग तरीकों से एक्वायर कर सकते हैं। अगर कम है, कम लेना है तो कैश में, मतलब फ्री आयन हम रह लेंगे। थोड़ा ज्यादा लेना है तो फ्लैट वगैरह चलेगा, कटायन के फॉर्म में ऑक्सीजन को पकड़ के। बहुत ज्यादा लेना है, एक्सेस ऑक्सीजन चार्ज अगर ज्यादा है तो लैंड वैंड जमीन वमीन प्रॉपर्टी वगैरह कुछ बड़ा सा दे दो, लंबा चौड़ा दे दो, मतलब ऑक्सो एनायन बन जाएंगे। ये तरीका हुआ अलग अलग थर्मोडायनेमिकल फिजिबल, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल वेज। हमने क्या बोला बेटा, अच्छे से देख, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमने बोला अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये अपने आप को एक इंटरमीडिएट हाई ले लो, इंटरमीडिएट हाई, लेकिन आयोनिक फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं हम कंपाउंड बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आयोनिक फॉर्म, कंपाउंड नहीं। कंपाउंड में फिर दूसरी बातें हैं, कंपाउंड पर ही नहीं रहे। तो एन ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ब्रैकेट में आयन भी लिख सकते हो, यहां लिख लो तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा सेंटेंस आपका।
आयन भी लिख दिया, ठीक है। और एक हमने लिख लिया एक इंटरमीडिएट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक तीसरा हमने बोला हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तीन तरीका हमने लिखा, तीन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने बोला अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एग्जिस्ट एच फ्री आयन, एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयन के रूप में वो एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर इंटरमीडिएट हाई है तो वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, फ्री आयंस भी, फ्री आयंस एज वेल एज ऑक्सो कैटायंस एंड ऑक्सो एनायंस, सब फॉर्म में रहेगा ये। लेकिन अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज बहुत ज्यादा है, तो एक्सेस ऑक्सीजन लेके एग्जिस्ट ओनली एज ऑक्सो एनायन। सर ये क्या आपने बोला, बिल्कुल आप क्लियर समझ लेंगे, तब सिर्फ ऑक्सो एनायंस के फॉर्म में। मैं एकदम अच्छे से समझा रहा हूं इस बात को, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। बस आप ये देखिए, हमने बोला एकदम डी ब्लॉक पर बेटा, आपके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन है ये सब, डी एंड एफ ब्लॉक में पूरा लाइन बाय लाइन है। हमने बोला आपको कि अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट को अपने आप को एग्जिस्टेंस में लेना है तो उसके पास, जैसे लाइक मान लो कि हमने लिया एक लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो मैग्नीज 2 प्लस, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फ्री आयन के फॉर्म में। एक हमने लिया इंटरमीडिएट हाई, इंटरमीडिएट हाई टिटेनियम 4 प्लस, इसको और अच्छे से लिखता हूं, क्या सर अच्छे से तो था ही, जैसे मैग्नीज 2 प्लस, एक लिया टिटेनियम 4 प्लस, एक ले लिया हमने एकदम हाई वाला मैग्नीज 7 प्लस, ठीक से देखेंगे। तो जो अब सबका एग्जिस्टेंस वाला फॉर्म लिखता हूं, मैग्नीज 2 प्लस अपने आप को ओनली फ्री आयन में रखेगा क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस में, ये सारे एक्वस आयन्स हमने लिखे हैं। अब आ जाओ इंटरमीडिएट हाई वाला तीनों फॉर्म में, जैसे जैसे ये फ्री आयन भी रह गया टिटेनियम 4 प्लस, ऑक्सो एनायन ऑक्सो कैटायन भी रहेगा, TiO पर 2 प्लस के फॉर्म में भी रह सकता है, अगर कम ऑक्सीजन मिला और ज्यादा ऑक्सीजन मिला तो TiO3 पर डबल माइनस भी रह सकता है। क्लियर हुआ, ऑक्सो एनायन ऑक्सो कैटायन और फ्री आयन। अब आ जाओ अगर बहुत ज्यादा है तब, अब ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सो एनायन में रहेगा और वो हो गया MnO4 माइनस पर मैग्नेट। तो आपको बढ़िया से इस बात को समझना होगा, पहले हमने कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर लो पॉजिटिव है, लोअर पॉजिटिव है तो वो फ्री आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट हाई है तो उसके पास तीनों रास्ते हो सकते हैं, फ्री भी, ऑक्सो कैटायन भी, ऑक्सो एनायन भी, और अगर वो हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता ऑक्सो एनायन। तो इसका मैं फाइनल लिस्ट करता हूं, यह तो था आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, बट अगले पेज में मैं फाइनल लिस्ट करके इसको कंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है। आ जाओ मैं लिस्ट करता हूं, एकदम नजरें बनाए रखें, एकदम नजरें बनाए रखें, ठीक से देखेंगे। जैसे टिटेनियम, ध्यान से देखेंगे, लिस्ट ऑफ आयंस एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ध्यान से देखेंगे, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इन एक्वस सॉल्यूशन, अच्छे से बढ़िया से लोग आ जाइए प्लीज, नजरें जमाए रखें। जैसे हमने बोला प्लस थ्री तक सब फ्री आयंस रह सकता, प्लस 4 से आ जाओ टिटेनियम 4 प्लस, ये किस किस फॉर्म में रहेगा, फ्री आयन भी, TiO पर 2 प्लस, ऑक्सो कैटायन भी, एक प्लस छोड़ो ना यार क्या लिखना, और TiO3 पर डबल माइनस एनायन भी। आ जाओ वैनेडियम पर 5 प्लस, अब फ्री आयन रहेगा या नहीं, जल्दी बताओ सोच के, फ्री आयन ये रहेगा या नहीं, जल्दी, ऑक्सो कैटायन तो रहेगा ही रहेगा, VO2 पर प्लस, और ऑक्सो एनायन VO4 पर ट्रिपल माइनस,
मेरा वो सवाल है, ये रहेगा या नहीं जल्दी, यस और नो, क्या लगता है आपको ये फ्री आयन के फॉर्म में रह पाएगा या नहीं जल्दी, वीपर फाइव प्लस, जल्दी जल्दी जल्दी। यस और नो, क्या लग रहा वैनेडियम 5 प्लस फ्री आयन में रह पाएगा या नहीं, जैसे ये तीनों में रहा, वैनेडियम 5 प्लस फ्री आयन के फॉर्म में रह पाएगा नहीं, या क्या लग रहा आपको जल्दी से। हमने बोला वैनेडियम, हाँ नहीं रह पाएगा, वैनेडियम 5 प्लस फ्री आयन में रह पाएगा कि नहीं, नहीं रह पाएगा, चार्ज थोड़ा बढ़ गया, अब ये ऑक्सो कैटायन और ऑक्सो एनायन में रहेगा। अब आज जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैंने लिया क्रोमियम 6 प्लस, ये किस फॉर्म में रह पाएगा, क्या फ्री आयन रहेगा, क्या ऑक्सो कैटायन रहेगा या ऑक्सो एनायन रहेगा, तो बोलोगे कि नहीं सर चार्ज बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, अब और मुश्किल हो जाएगा, ना फ्री आयन ना ऑक्सो कैटायन, सिर्फ ऑक्सो एनायन, और फॉर्मूला हो जाएगा CrO4 पर डबल माइनस क्रोमेट। अगला नंबर, अगर मैं बोलूं कि डी नंबर में Mn पर 7 प्लस किस फॉर्म में रहेगा, तो बोलोगे ना सर ये फ्री आयन रह सकता है, ना सर ये ऑक्सो कैटायन रह सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ सर ऑक्सो एनायन के फॉर्म में रहेगा। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये नहीं, ये नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये, और फॉर्मूला इज MnO4 पर डबल सिंगल माइनस, पर मैग्नेट का कलर पर्पल। अगर मैं आपको दूं, दोस्त अच्छे से देख लो, अगर मैं बोलूं कि जल्दी बताओ बेटा Mn6+ किस किस फॉर्म में रहेगा, क्या Mn6+ पानी में रह सकता है, या Mn6+ ऑक्सो कैटायन में रह सकता है, या Mn6+ ऑक्सो एनायन में रह सकता है, कहां कहां पे रह सकता है। बोलोगे नहीं सर 6 प्लस काफी ज्यादा है, इसलिए कटायन भी नहीं सिर्फ एनायन, और फॉर्मूला होता है MnO4 पर डबल माइनस मैग्नेट, ये था सिंगल माइनस पर मैग्नेट, ये डबल माइनस मैग्नेट, और मैग्नेट का कलर होता है ग्रीन। तो बीच में वॉइस थोड़ी सी चली गई थी, जिसकी वजह से मैं कुछ बोलते बोलते म्यूट हो गया था। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि
अब शायद मेरी आवाज अब आ रही है, मैंने पूछा था कि क्या V पर 4 प्लस आयन एग्जिस्ट कर सकता है ऑक्सो कैटायन के फॉर्म में या नहीं। तो ऑक्सो कैटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट करने के लिए आपको 6 प्लस से चार्ज नीचे होने चाहिए और 3 प्लस से ऊपर, मतलब 4 और 5, ठीक है। 2 और 3 फ्री आयन में, 4 फ्री आयन भी, ऑक्सो कैटायन भी, ऑक्सो एनायन भी, 5 फ्री आयन नहीं, ऑक्सो कैटायन और ऑक्सो एनायन, 6 और 7 ओनली ऑक्सो एनायन। क्या क्या बोला हमने, फिर से सुन लो, हमने बोला 2 और 3 फ्री आयन, हमने क्या बोला 2 और 3 फ्री आयन, हमने बोला 4 तीनों फॉर्म, इसको ऐसे बना देता हूं, इसको ऐसे फ्री आयन ऑक्सो कैटायन ऑक्सो एनायन, अब तो यार याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या बोला देख लो, हमने बोला एक कॉलम और ले लू यहां पे, ठीक है अब ले लो, हमने बोला 2 और 3, हालांकि इसमें थोड़ा सा कभी कभी ये होता है तो इसको आप ऐसे डॉट डॉट करके काट ले, ठीक है 2 और 3, फिर हमने बोला 4 सब कुछ, फिर हमने बोला 5, अब हमने बोला 6 7, क्या अच्छे से समझ में आया, बढ़िया से क्लियर हुआ, आया ना बोल दीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास में विदा लेते हैं आप लोगों से। क्या बढ़िया से क्लियर हुआ ये चीज, 2 3 तक आप फ्री एक्वस आयन इस्तेमाल करेंगे, हालांकि 3 वाला कभी कभी एनायन हो जाता है बट आप फ्री एक्वस आयन इस्तेमाल करेंगे, 4 वाला तीनों चीज हो सकता है, 5 वाला फ्री आयन नहीं होगा ऑक्सो कैटायन ऑक्सो एनायन, और 6 7 वाला सिर्फ और सिर्फ ऑक्सो एनायन। क्या आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ, बढ़िया से मजा आया, यस और नो क्लियर करें, फिर मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं, जल्दी बता दें प्लीज सभी लोग, बढ़िया से क्लियर हुआ अच्छे से, गुड बोलते जाइए। काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, दिमाग में रखें, बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे। वेरी गुड, तो दोस्तों मेरे बंधु मेरे हमसफर हमराही हमराज दोस्त मित्र जो कह लें, बेटा विदा लेते हैं आज इतने ही चीजों पर, और अगले लेक्चर में आज मैं पी ब्लॉक नहीं डिस्कस कर पाया, काफी सेशन डी और एफ में लेंथ एंड हाइट्स में, और चूंकि डी का भी बहुत कुछ हमने एक्स्ट्रा डिस्कस करा है तो इसमें काफी टाइम लगा, नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा प्योर पी ब्लॉक पर डेडिकेटेड होगा, तो आज के लिए इतना ही, और पी ब्लॉक के बाद फिर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और खूब अच्छे से इनऑर्गेनिक को प्रैक्टिस करते रहें प्लीज।